और ये चटनी ज़रूर होनी चाहिए आपके फ्रिज में, जो कि हेल्थ का खजाना है, जिससे कि आपकी सेहत अच्छी रहती है, हमेशा बताती हूँ। पुदीना, धनिया, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, अनारदाना, इससे बनती है चटनी। हरी मिर्ची भी करा लो, कड़ी पत्ता भी डालो, बहुत बहुत टेस्टी। ये ज़रूर ज़रूर खानी, अपनी खाने में इसको ज़रूर एक चम्मच लेना है। ये मैं 2-3 दिन के लिए बना देती हूँ और एक एक चम्मच हर मील में लेती हूँ तीनों टाइम। आपको भी ज़रूर लेना जी। मेरा काम है आपको देसी और नेचुरल खाने बताना, जिससे कि आप सेहत अच्छी रहे। और जब खा लीजिए एक चम्मच, उसको ढक के बंद, तो हमको सेहत की बातें बताता है, जो मोटिवेट करता है ना, वो एक तरह का आपका वेल विशर होता है जी। आपकी सेहत का जिसको चिंता होती, सोचो आपसे वो कितना प्यार करते हैं। तो मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, जो बार बार बताती हूँ, बार बार बताती हूँ कि अनारदाना वाली चटनी खाएंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, हर बीमारी रिवर्स हो जाएगी जी, हर बीमारी ठीक हो जाएगी अगर आपने एक चम्मच इतनी चटनी हर मील में खानी है। देखो जी, ऊपर ये अनारदाना दिख रहा है, मैं कूट के रख लेती हूँ अनारदाना, फिर इसमें ऐड करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार चटनी, ये मेडिसिन है जी, मेडिसिन है, 1000 बार बोल चुकी हूँ, ये दवाई है जी आपकी, ज़रूर खानी है। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।